पहले लेडीजों का घर से निकलना दुश्वार था, अब लेडीजें बेझिझक कहीं भी जा सकती रात बिरात, कोई भी दिक्कत नहीं होती। अखिलेश भैया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश भैया के बारे में भी हमारी अच्छी सोच है, क्योंकि वो भी जब तक थे उन्होंने भी लेडीजों के लिए कॉलेज में सब सुविधा रखी थी। ये है कि मोदी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया है लेडीजों के लिए। अकेली लेडी लीडर होके चल सकती है, बहुत भाग्यशाली हैं यहाँ के लोग यूपी के, जो उनको इतने अच्छे सीएम योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। कुछ काम वो कर रहे हैं बाबा जी की नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने जो किया सब अच्छा ही किया है। अच्छा। लेडीजों की इतनी सुविधा भी की है। अच्छा, लेडीज की सुविधा पे आप बात किए तो ये बताइए कि महिला सुरक्षा पर, जो कि बाबा जी का बहुत पहले से ही मतलब ध्यान रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता रही है, तो आप इस पर क्या कहेंगे, क्या सुरक्षित हो पाई हैं महिलाएं? हाँ, काफ़ी हो पाई, बहुत ज़्यादा ही हो पाई हैं। अच्छा। पहले से और अब में काफ़ी अंतर आया है। अच्छा। पहले लेडीजों का घर से निकलना दुश्वार था, अब लेडीजें बेझिझक कहीं भी जा सकती रात बिरात, कोई भी दिक्कत नहीं होती उन्हें। अच्छा। पूरी सुविधा मिलती है उन्हें। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप किसके पक्ष में जा रही हैं? हम तो अवश्य मोदी के पक्ष में जाएंगे जी। क्यों मोदी जी के पक्ष में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे हिसाब से उनकी सुविधा में अच्छी दिखी है। मोदी के किन कामों को आप पसंद कर रहे हैं? हमने मोदी के बहुत कामों को पसंद किया है। अच्छा। जैसे कि लेडीजों की सुविधाएं, जैसे कि उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। अच्छा। मेरे हिसाब से सब अच्छे किया है। अखिलेश भैया के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? अखिलेश भैया के बारे में भी हमारी अच्छी सोच है, क्योंकि वो भी जब तक थे उन्होंने भी लेडीजों के लिए कॉलेज में सब सुविधा रखी थी, उन्होंने भी सब अच्छे ही किया था। अच्छा। लेकिन ये है कि मोदी ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा किया है लेडीजों के लिए। कहाँ से आई हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से आई हैं? राजस्थान से आई हैं, तो ये बताइए कि यूपी में जब आई हैं तो यूपी में व्यवस्थाएँ आपको कैसे लगी? यहाँ की व्यवस्थाएँ तो देखिए, वैसे तो मैं इतनी किसी से बात करती नहीं हूँ। अच्छा। पर जहाँ तक देखा है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ। अच्छा। है ना, और मतलब एक अकेली लेडी लीडर होके चल सकती है, वो यहाँ पे मैंने देखा है। अच्छा। जो मैं हर जगह घूमी हूँ, ऐसा वातावरण मुझे कहीं और नहीं मिला। अच्छा। जितना यूपी में मिला मुझे। अच्छा। और प्रयागराज में मिला। अच्छा। ठीक है ना। 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव है, आप किसके पक्ष में जा रही हैं? हम तो पहले भी मोदी जी के पक्ष में ही थे। अच्छा। और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा। क्यों मोदी जी के पक्ष में रहेंगी आप हमेशा? क्योंकि वो सनातन धर्म से हैं। अच्छा। ठीक है, और सनातन धर्म ही बहुत प्राचीन है। अच्छा। और ऐसा लगता है कि सनातन धर्म आना चाहिए। अच्छा। है ना, और रहना चाहिए। यहाँ के सीएम योगी जी हैं, तो योगी जी के काम से आपको क्या लगता है काम? देखिए, मैं अभी राजस्थान से आई हूँ। योगी जी जैसे तो कोई राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री है ही नहीं। अच्छा। है ना, हम भी मांग करते हैं योगी जी की। अच्छा। हमारे राजस्थान में योगी जी जैसे सीएम हो। अच्छा। है ना, और वैसे सीएम हमको भी चाहिए। अच्छा। हमारे यहाँ पे भी जरूरत है राजस्थान में। अच्छा। तो बहुत भाग्यशाली हैं यहाँ के लोग यूपी के, जो उनको इतने अच्छे सीएम योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं। मैं तो उनके चरणों में सत सत कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगी। क्या आज उनके बारे में मुझे कुछ दो शब्द कहने का अवसर मिला है, तो मैं तो बहुत ही अच्छा उनको मानती हूँ। आपके राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस कुछ काम कर रही है राजस्थान में कि नहीं? देखिए, जितना काम होना चाहिए ना, उतना वहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा। ठीक है ना, अब उसके बारे में हम क्या बताएं। हम तो चाहते ना, आपको पहले बोला कि हमारे राजस्थान में भी योगी जी जैसी सरकार होनी चाहिए।